नात का एक शेर जब तैबा रसा हो जाएगा फिर हमारी शायरी का हक अदा हो जाएगा। नात का एक शेर जब तैबा रसा हो जाएगा फिर हमारी शायरी का हक अदा हो जाएगा। और आईना हो आंख हो या अक्ल की बीनाई हो जो भी देखेगा उन्हें हैरत ज़दा हो जाएगा। जो भी देखेगा उन्हें हैरत ज़दा हो जाएगा। और आजमाना मत कभी भी फिरदे नबी के फैज को, आजमाना मत कभी भी फिरदे नबी के फैज को। बात क्या बीमार की मुर्दा भी खड़ा हो जाएगा, बात क्या बीमार की मुर्दा भी खड़ा हो जाएगा। बड़े अच्छे नाम ने भी आपने समाज किया जनाब सबाब रजा साहब कबला को। और आप देख रहे हैं मुफ्ती मुश्ताक रजा नीवी साहब मौजूद हैं, वहीं पर आपके खतीब इमाम हजरत अल्लामा मौलाना हसन रजा साहब कबला मौजूद हैं। इंशाल्लाह दीगर मेहमान भी हजरात मौजूद हैं, सभी हजरात को इंशाल्लाह समाज किया जाएगा। जरा मोहब्बत से एक बार जी लगा कर और कह दें सुभान अल्लाह। सारा बंदा जरा जिंदादिली के साथ अपने हाथों को उठाकर जरा मौला कायनात को पुकारे और जरा जी लगा कर बोले या अली। पीछे वाले भी जरा दूर जो बैठे हैं वो भी बोल दें या अली। माशाल्लाह आप अगर नीचे उतर जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और ये जगह आगे खाली है, आगे आ जाइए। माशाल्लाह ये दूरियां तो गलत फहमियां बढ़ाती है, जरा पास आओगे तो शायद हमें समझ लोगे। वरना ये कहना पड़ेगा तुम तो क्या चीज है, हम तो रूह में भी उतरे होते मगर तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। जो लोग भाई पीछे खड़े हैं वो भी उनसे गुजारिश है, ये सारा इंतजाम आपके लिए है, आप सुकून के साथ तशरीफ रखें। जरा मोहब्बत से एक बार कह दें या अली और जरा जी लगा कर या अली। एक एक दीवान इंशाल्लाह बोले तो ये चार मिसरे सुन ले। पिया जिसने जहर का जाम को बेटा अली का है, उलमाए इकराम के हवाले से पिया जिसने जहर का जाम, पिया जिसने जहर का जाम वो बेटा अली का है। जो आया करबला में काम वो बेटा अली का है, पिया जिसने जहर का जाम वो बेटा अली का है। जो आया करबला में काम वो बेटा अली का है। और तुम्हें मालूम ही क्या है हिंदुस्तान वालों, जो लाया हिंद में इस्लाम वो बेटा अली का है। जो लाया तुम्हें मालूम ही क्या ऐ हिंदुस्तान वालों, लाया हिंद में इस्लाम वो बेटा अली का है। जो लाया हिंद में इस्लाम वो बेटा अली का है। और ये मेरे खानदान वाले मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, ये बड़ा नेक काम है, आप भी कर सकते हैं। बात मौला कायनात की आ गई तो ये भी शेर सुनने मास्टर साहब मौजूद हैं इंशाल्लाह। तमाम हजरात के हवाले से पढ़ता हूँ। पिया जिसने शहर का जाम वो बेटा अली का है, जो आया करबला में काम वो बेटा अली का है। और तुम्हें मालूम ही क्या ऐ हिंदुस्तान वालों, जो लाया हिंद में इस्लाम वो बेटा अली का है। और सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, एक एक आशिक बोलेगा इंशाल्लाह। जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दो या हुसैन। हुसैनियों मानो हुसैन की मोहब्बत में आवाज निकालनी है और इस अंदाज के साथ बोलना है। ना गोरों की हुकूमत है ना कालों की हुकूमत है, मेरे दिल पर अली के दोनों लालों की हुकूमत है। आजरा जी लगा कर या हुसैन, या हुसैन, बुलंद आवाज से या हुसैन। सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। और हूरों ने उनके हार बनाकर पहन लिए, जो फूल करबला के मजारों पे चढ़ गए, जो फूल करबला के मजारों पे चढ़ गए। हूरों ने उनके हार बनाकर पहन लिए, जो फूल करबला के मजारों पे चढ़ गए, जो फूल करबला के मजारों पर चढ़ गए। बात करबला तक पहुंची है तो करबला की जमीन क्या जमीन है? करबला की जमीन का मकाम तो ये है कि यहाँ पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, पहले यहाँ एक एक दीवाना इंशाल्लाह बोलेगा, यहाँ पहले तो करबला की जमीन क्या जमीन है। दीवाना कहता है यहाँ पहले तो बाजू कटाए जाते हैं फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं, यहाँ पहले तो बाजू कटाए जाते हैं फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। और ये करबला है यहाँ हर कदम पर काबा है, यहाँ खिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं, यहाँ खिलाफ नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न वैसे करनी नारे तकदीर। यहाँ पहले तो बाजू कटाए जाते हैं फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। और मियां ये करबला है यहाँ हर कदम पर काबा है।
है, यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं, यहाँ गिलाफ नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। मुफ्ती साहब मौजूद हैं, बस कुर्सी आने की देर है, इंशाल्लाह फौरन मुफ्ती साहब आपकी समाधि के हवाले हो रहे हैं। जरा पीछे तक एक बार और जरा सारा मजमा बोल देगा, ये चार मिसरे और पढ़ता हूँ मैं मोहब्बत से, कहने या हुसैन। अभी मैं मानता हूँ कि आप सब सुनने के लिए बैठे हैं, मगर पूरे नेटवर्क नहीं आ रहे, अभी भी कुछ लोग ऐसे जो सिर्फ मिस कॉल कर रहे हैं, पूरी कॉल कीजिए जरा मोहब्बत से या हुसैन, और जरा जी लगाकर या हुसैन। तुम्हारा मकाम तो ये है, हम और आप इमाम हुसैन के गुलाम हैं, और हम गुलामों की शान तो ये है, एक दीवाने ने कहा था कि गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, एक हुसैन ही बोलेगा गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में हैं चाहने वाले हुसैन के, हम सब चाहने वाले हैं, चाहने वाला इंशाल्लाह बोलेगा गोरे हुसैन के हैं ना काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के, और कसम अल्लाह की तब तक कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे चाहने वाले हुसैन के, कसम अल्लाह की तब तक कयामत, कसम अल्लाह की तब तक कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे चाहने वाले हुसैन के। शायद आने में देर है तो मैं चाहता हूँ उससे पहले एक और मेहमान को आपकी समाज के हवाले किए जाए, जिनसे मेरी मुराद कोई और नहीं है, बस आप ही के खतीब इमाम है, हजरत मौलाना हसन रजा साहब के मिला, बस उन इमाम साहब की, आपके इमाम साहब की आमद आमद है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप अपने इमाम साहब से कैसी मोहब्बत रखते हैं, कैसी मोहब्बत में ऐसा नारा लगाकर दिखाना है, मोहब्बतों के साथ नारे इधर के न जाने क्यों कंजूसी कर रहे हैं, आप इन्हें बोलकर दिखाइए कि नारा कैसे लगता है, और आप ऐसा नारा लगाइए ताकि पूरी दुनिया को पैगाम मिल जाए कि हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने से, खुश समझ जाती है किस्मत या अली कहने से, और एक अली वाला सौ पर भारी क्यों ना हो, सौ गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने से। नारे नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्ने वैसे करनी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, बस मिसरों के साथ आपके इमाम साहब आ रहे हैं, बस मिसरों के साथ के दिल है बीमार, मोहब्बत की दवा मांगे हैं, जुल्फे महबूबे पैगंबर की हवा मांगे हैं, और तेरी खुशबू से मुअत्तर है बहारों का मिजाज, हर गली तेरे तरन्नुम की अदा मांगे हैं।